डिशू का खाना सुबह से चालू है, बिस्किट्स, पापड़, रेजिन, ओट्स स्मूदी, ओट्स और एप्पल स्मूदी, इधर चाय, और ये हमारा रीशु। रीशु भाई खा ले भाई, 2 घंटे से इसके पीछे देखो। नमस्ते स्मितापीडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुबह स्मिता, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। और रीशु को बहुत प्लीज पहले रीशु, ऐसा नहीं करते ना रीशु। इसको पता नहीं इस ड्रेस से क्या प्रॉब्लम है, इतनी अच्छा दिख रहा है ये। इतना देख, कितना हैंडसम लग रहा है तू, कितना हैंडसम। वही 2-3 कपड़े पहनना है बस। हवा चल रही है जोर से, ठीक है। बाप रे हवा चल रही है रीशु, क्या करे, खेलना तो पड़ेगा थोड़ा सा धूप में। अच्छा लग रहा है ना रीशु, यहाँ पे हवा नहीं है, बाहर इतनी जोर से हवा चल रही है ना, ठंड लग रहा है। मतलब धूप है फिर भी ठंड लग रहा है। ये वाला रूम, ये जिम रूम है, लेकिन पता नहीं बहुत दिनों से ये यूज नहीं कर रहे। मैं बीच बीच में आके ये यूज कर लेती हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता ना, नहीं तो रोज का इस्तेमाल करती इसको मैं। फाइनली रिशु पहन के आया, तो रोज तो आते हैं हम यहाँ पे, लेकिन रिशु को छोड़ के कुछ नहीं कर पाती। रिशु के पीछे पीछे ही रहती हूँ, इसलिए नहीं होता मेरे से ये। नहीं तो अच्छी फैसिलिटी है, मतलब एक से कोई नहीं आता, तो अकेले में कर सकती हूँ, नहीं होता। क्या है, कहाँ है रिशु? अरे दिखाई तो नहीं दे रहा है, कहाँ है कहाँ है? अरे इधर है। तो छुपा था इधर, हमें छुपा। हाँ ठीक है, मैं छुपती हूँ। चावल बिठा दी है और आज मूंग, ये ना मैं जो गई थी उदयपुर वहां से बड़ी लेके आई थी, ऐसे ही मुझे मिल गया था। ऐसे स्टोर में गए थे ना, तो वहां पे मिल गया था ये मूंग की बड़ी, और बहुत तीखा है रीशु तो बिल्कुल, मतलब हमको बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है। तो आज मूंग बड़ी का बनाऊंगी सब्जी। और ये है आज का मेनू, प्लेन राइस, पापड़, गोभी, बैगन फ्राई, प्लेन दाल, धनिया और पुदीना की चटनी और मूंग बड़ी की सब्जी। रिशु के लिए दाल कंपलसरी बनता है हमारे घर में। रिशु सो गया था, तो अभी अभी उठने के बाद शाम के टाइम पे अभी चाय नहीं पी रही हूँ, क्योंकि जल्दी खाना खा लेते हो, इसके सोच रही हूँ कि अभी खाना खाऊंगी तो उसके बाद ही रात को चाय पी के सो जाऊंगी ऐसे, क्योंकि बिना चाय की तो सर दर्द होगा। अभी रिशु रिशु आज ना, मतलब सुबह एक ही था ऑरेंज था, तो रिशु में एक ऑरेंज मैंने दे दिया, फिर उसके बाद उसको और चाहिए था ऐसे। फिर मैंने बोला बाबा नहीं है ऐसे, फिर वो मम्मा प्लीज दे दो ना, मैं नहीं तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होगा ऐसे। मतलब धम किया, अगर नहीं दोगे तो मैं दोस्त नहीं होगा। बोला है कि मम्मा आवाज मत करो। देखो अभी से मुझे ही कंट्रोल कर रहा है ये लड़का, और वो भी अपना खा रहा है, अपना शोर देख रहा है, क्या करे बेचारा। मतलब ठंड है ना, इसलिए मैं उसको लेके नहीं जा रही हूँ, मुझे बस डर लगता है ऐसे। बाहर तो बच्चे खेल रहे, लेकिन मुझे डर लग रहा है। पहले ही वो मतलब टीवी देखते देखते ना, उसको कुछ केक का आ गया वीडियो, फिर बोला मोमो क्रीम वाला खाना है बिस्किट, फिर सारे क्रीम खा के ना बिस्किट ऐसे ही रख दिया ऐसे। इसको कौन खाए, मुझे ही खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही पड़े पड़े रहेंगे। आज डिनर के टाइम पे ना मैं पास्ता बना रही थी, व्हाइट ग्रेवी वाला पास्ता, एक दिन सली जी के लिए मैंने बनाई थी ना, तो वही वाले पास्ता, बोले कि आज पास्ता ही बना ले। अभी ठंड के मौसम में ना ऐसे चाइनीज या इटालियन ऐसे खाने को मन करता है, क्योंकि गरम गरम व्हाइट पास्ता, और मुझे तो वैसे भी बहुत चीज़ पसंद है, तो चीज़ वाली कुछ भी रेसिपी कोई बोलता है ना, तो पहले से मैं ही जम कर लेती हूँ। तो पहले मैंने 2 चम्मच तेल दिया है और 2 क्यूब्स बटर डाले हैं, और सारे जो सब्जी रहते हैं ना मैंने सब को सौते करके पहले से रख दिया। बॉयल पास्ता को ना स्टेन करने के टाइम पे उसी का थोड़ा पानी मैंने रख दिया था, कि वो वही वाले पानी इस्तेमाल हो जाएंगे, गर्म पानी।
बटर अच्छे से मेल्ट होने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच मैदे ऐड किए हैं। मैदे ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाइट ग्रेवी के लिए मैदे एसेंशियल है। तो मैदे को मैं अच्छे से भून लूँगी स्लो फ्लेम में, नहीं तो वो नीचे जल जाएंगे। अगर हाई फ्लेम में उसको आप ऐसे पकाएंगे तो उसमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आप उसको चलाते रहेंगे स्लो फ्लेम में, फिर उसके बाद उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और अच्छी वाली खुशबू निकलेगी। तो उसके बाद ही मैंने जो पानी रखा था गर्म पानी पास्ता वाटर, तो वही ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐड करके उसको अच्छे से मिला दूँगी। मैदा अच्छे से भुन जाने के बाद ना उसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। दूध और मैदे को अच्छे से मिलानी है, नहीं तो वो उसमें बाइंडिंग हो जाते हैं। तो यही सबसे ही ट्रिकी पार्ट है। पास्ता का ये जो लास्ट वाला प्रोसेस है ना, बहुत जल्दी जल्दी होता है। मेक श्योर कि ये सारे चीज़ आपके हाथ के आसपास ही होनी चाहिए, क्योंकि ये कम से कम आपको 10 मिनट के अंदर सारे चीज़ हो जाते हैं। तो मैं फिर से थोड़ा सा दूध ऐड करूँ। मैं 2 कप मैंने दूध लिया था। आप कितने जन के लिए बना रहे उसी हिसाब से आप दूध ले लेना। मैं चीज़ी पास्ता बना रही थी, तो अभी मैं मेरे पास चीज़ के सीड्स थे तो मैं वही इस्तेमाल कर रही थी। 3 चीज़ के सीड्स मैंने इस्तेमाल किए थे मेरे वाले पास्ते में। चीज़ को ऐड करने के बाद ना मैंने अच्छे से मिलाया। फिर उसके बाद मैंने ओरेगानो, रोजमेरी सबको ऐड कर लिया। मेरे पास चिली फ्लेक्स उस टाइम पे नहीं था। और उसके बाद मैंने ऐड कर लिया सारे जो सब्जी मैंने सौते किया था सब्जी। चीज़ के साथ ही मैंने पास्ता को ऐड कर लिया, क्योंकि वो दोनों को पकने को थोड़ा टाइम लगेगा। आधा बॉईल किया हुआ सब्जी था और आधा बॉईल किया हुआ पास्ता था, तो उसको पकने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेंगे। फिर लास्टली मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड किया। उसके बाद शैली जी को बहुत पसंद है ब्लैक पेपर, इसलिए मैंने भर के ब्लैक पेपर ऐड किए थे इसमें। कुछ अच्छे से मिलाने के बाद ना मैंने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के पका रही थी और बीच बीच में इसको चला रही थी, नहीं तो वो नीचे जलने की मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि मैदा गया है, चीज़ गया है तो नीचे लग जाएंगे। मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इस टाइम पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ। क्या ही यम्मी हॉट पास्ता। क्या खा रहा है? रात के 11 बजे सेव, उसको सेव खाने को मन किया। उसके आँख में जो आता है ना, तो वही उसको उसी टाइम पे चाहिए। ये सेव है, ठीक है। तो अभी तो हो गया, कितने बजे? पूरा 11 बज गए हैं। बोलो जल्दी से बोलो, मैं खत्म करती हूँ। ठीक है, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब के पास जो बेल का आइकन है उसी को दबा देना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और हमेशा की तरह कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हर हर मतलब अभी इतना एनर्जी है तो पता नहीं कब सोएगा ये। हर महादेव।